ये तस्वीरें आप झज्जर से देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये चुनावी रैली इस समय चल रही है और देखिए भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। काफिला आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का, जिसमें तमाम लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। चुनावी रैली दरअसल इस समय है झज्जर में, ये हरियाणा में चुनावी रैली इस समय हो रही है। और हालांकि ये जो रोड शो है, ये रोड शो आज थम जाएगा शाम 5 बजे। उसके बाद हालांकि साइलेंट तरीके से ही डोर टू डोर जाकर जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांग सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अब शाम को 5 बजे तक ही वोट मांगे जाएंगे। झज्जर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये रैली हो रही है, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। चुनावी रण में इस समय मुख्यमंत्री हैं और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके साथ उनका पूरा काफिला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हरियाणा में हमने देखी है तस्वीरें जब खुद बीजेपी के तमाम दिग्गज किस तरीके से पहुंचे अलग अलग जगहों पर, वहीं आज झज्जर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झज्जर में मौजूद, चुनावी रैली इस समय उनकी हो रही है, रोड शो, बड़ा रोड शो, भव्य रोड शो मुख्यमंत्री का। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी भी साथ में ही मौजूद, और अपील की जा रही है कि वोट दें, बीजेपी को जिताएं, भरोसा बनाकर रखें। ये जनता से अपील इस बार की जा रही है, तस्वीरों में देख ही सकते हैं आप। हालांकि इस समय धूप भी हो रखी है और गर्मी है, लेकिन भीषण गर्मी के बीच में एक बड़ा जनसैलाब इस रैली में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रोड शो में बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। गाड़ी में मौजूद मुख्यमंत्री और इससे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर ट्रैक्टर भी आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो एक बड़ा जनसैलाब इस रैली में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, झज्जर में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम देखिए किए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। हालांकि अब जिस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और ये 5 बजे तक ही हालांकि आज इस तरीके से शोरगुल रहेगा, सड़कों पर हम देख पाएंगे कि इसी तरीके से आज शाम को 5 बजे तक ये शोरगुल रहेगा। उसके बाद ये जो प्रचार का जो दौर है, ये जो रोड शो है वो फिलहाल थम जाएगा। इस तरीके से जो चुनाव प्रचार चल रहा है, शोरगुल फिलहाल थमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन, डोर टू डोर प्रचार प्रसार ही प्रत्याशी कर पाएंगे और डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट प्रत्याशी मांग पाएंगे। फिलहाल तो दोपहिया वाहनों पर, चार पहिया वाहनों पर तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथ में बीजेपी का झंडा लिए हुए, और ये रोड शो मुख्यमंत्री का झज्जर में इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री। काफ़ी अहम ये रोड शो हो जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में जनसैलाब भी उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रचार प्रसार की कमान देखिए सौंपी गई मुख्यमंत्री को, और आज का दिन चुना गया जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हालांकि आज चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन ज़रूर रहने वाला है, हाथ जोड़कर अपील की जा रही है ताकि बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिए जाएं, जनता से अपील की जा रही है कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया जाए। और देखिए बातचीत करते हुए आपस में दोनों ही नेता साफ तौर पर देखा जा रहा है इन तस्वीरों में। हालांकि एक सभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करने वाले हैं, अब देखना होगा कि हरियाणा में चूंकि इस समय मौजूद हैं झज्जर में, तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है कि एक बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है मुख्यमंत्री के साथ में। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो काफी अहम हो जाता है, मुख्यमंत्री जब यहाँ पर रोड शो प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में।
देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री का आज का ये दौरा और काफ़ी खास ही उनका ये दौरा रहने वाला है, चूँकि आज आखिरी दिन ज़रूर रहेगा। एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर ये रोड शो मुख्यमंत्री का है, इस समय तो वो झज्जर में मौजूद हैं और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करते हुए नज़र आएंगे और उसके बाद फिर वापसी उनकी हो जाएगी, वापस वो लौट आएंगे दिल्ली में। लेकिन काफ़ी उनका अहम ये रोड शो इस समय माना जा रहा है। तो इससे पहले भी रोड शो कई नेताओं का यहाँ पर हो चुका है, तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज जो स्टार प्रचारक बनाया गया मुख्यमंत्री को और उसी के तहत मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं यहां पर। झज्जर जिले के मातनहेल में पार्टी प्रत्याशी के लिए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए उनके समर्थन में ये रोड शो कर रहे हैं और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर फिलहाल तो उनका रोड शो रहने वाला है। बता दें आपको कि जो सूचना है उसके आधार पर इसके बाद, झज्जर के बाद वो भिवानी भी जाएंगे, भिवानी के ग्राम लोहानी में भी उनका रोड शो रहेगा, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो देखिए फिलहाल तो उनका ये जो रोड शो है वो चल रहा है, काफ़ी अहम उनका ये रोड शो इस समय जारी है। आपको बता दें कि अलग अलग नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से भी, तो कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी का यहाँ पर रोड शो जो है वो हुआ है और इसके अलावा तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए चूंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, तो आज के इस प्रचार प्रसार में 5 सीएम की रैलियां रहने वाली हैं और इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्रियों की भी रैलियां यहां पर रहेंगी। चूंकि आज आखिरी दिन है तो बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे हरियाणा में, कलायत वो जाएंगे और बाढ़ा में जाएंगे और इसके अलावा राजनाथ सिंह की भी महेंद्रगढ़ में रैली रहने वाली है। इसके अलावा सीएम असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पलवल में, गन्नौर में और अम्बाला में रैली रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रैली करने वाले हैं और मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो आप देख ही रहे हैं, वो भी झज्जर में इस समय मौजूद हैं रैली करते हुए। इसके अलावा राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा रेवाड़ी में रैली करेंगे, तो उनकी रैली रेवाड़ी में रहने वाली है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि 5 सीएम आज आखिरी दिन रैली करते हुए दिखाई देंगे, रोड शो करेंगे, जिनमें से तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर, जो कि एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, वोट की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी और इसके अलावा राजनाथ सिंह महेंद्रगढ़ में रैली करने वाले हैं। तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पिछले करीब 1 महीने से ही जो चुनावी शोर जो चल रहा है, जो प्रचार प्रसार जारी है, फिलहाल तो आज शाम को वो थम जाएगा और सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगे प्रत्याशी। कोई भी राजनीतिक दल या फिर उम्मीदवार रैली नहीं कर पाएगा, जनसभा नहीं कर पाएगा, रोड शो नहीं कर पाएगा और ना ही कोई मीटिंग कर सकता है, लेकिन हाँ डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि जो लाउडस्पीकर हैं वो फिलहाल वर्जित रहेंगे, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से मिलने की छूट रहेगी, वोट मांगने की छूट रहेगी।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समय झज्जर में रोड शो हो रहा है, उनकी जो रैली है वो लगातार जारी है, इसके बाद भी उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में और फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनको एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करना है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और दूसरे राज्य संभावना लग रही जिस प्रकार से माहौल चलाए, भाजपा में माहौल बनाए, पूरा हरियाणा में जहाँ झज्जर जिले में आया हूँ यहाँ तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। हरियाणा में आप अनेक जगह पर जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं जनसभा? मैंने बताया ना भाजपा का वातावरण, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं, दो बार से सरकार बन रही लेकिन तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही। राहुल गांधी आज रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आ रहा है। राहुल दो बार से फेल हो रहा है, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल। तो राहुल गांधी के ऊपर भी तंज कसते हुए वो नजर आए, चूंकि आज राहुल गांधी की भी दरअसल रैली हो रही है, जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं और इसी पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी का ही पूरा जो शोर है वो फिलहाल तो दिखाई दे रहा है हरियाणा में और जनता बीजेपी को ही चुनने वाली है और बीजेपी की लहर इस बार दिखाई दे रही है। फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर रोड शो जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से किया गया, बड़ी जनसभा को दरअसल वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी उनकी ओर से किया जाएगा, अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में वो पहुंचेंगे, अलग अलग गांव में वो जाएंगे जहां पर वो रोड शो करेंगे और इसके बाद फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज आखिरी दिन देखिए पूरी ताकत झोंकते हुए सभी जो नेता हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, सभी राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी की रैली जनसभा भी हो रही है हरियाणा में इस समय और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के भी सीएम पहुँच रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दरअसल रैली की जाएगी। आप ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील, झज्जर में इस समय मौजूद सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की भी दरअसल अपील की है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में किस तरीके से जो बीजेपी की जो बयार है वो फिलहाल बहती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के पक्ष में ही, अब पूरी तरीके से जो जनता है वो बीजेपी को चुनने वाली है ये भी उन्होंने कहा। हालांकि राहुल